वही जनाब, हम नागराबाद 4 नंबर जो भूत बंगला मशहूर है, इसकी सुरंग में आज तक कोई नहीं आया। ये हम पहली दफ़ा यहाँ अंदर आए हैं, क्योंकि मैं पहले शूट करके जा चुका हूँ। किसी ने अपने होने का एहसास दिला दिया। बात यह है कि मैं बहुत सी जगहों पे गया हूँ और बहुत से आसार भी देखे हैं, खुद भी डरा हूँ, दूसरे भी डरे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर है कभी ना कभी तो मुझे नुकसान देंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन मैं हूँ दिलदार अली और आज हम आए हैं यासीनाबाद ग्रेवयार्ड। अच्छा, एक नसीहत देनी थी तो जो जो मेरा शोज़ देखते हैं उन लोगों को, ख़ास तौर पर वो ये कि देखें, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब पढ़ पढ़ा के और उसके अलावा भी अगर कुछ होता है या मुझे कुछ महसूस भी होता है या मुझे कुछ लगता भी है, तब भी मैं सूरतें वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि हाफिज़ कुरान हूँ। अब आप चले तो जाते हैं, लेकिन देखें अगर आप इस तरह चले जाएंगे और आप ये समझेंगे कि मैं भी जहाँ गया हूँ और आप वहाँ चले जाएंगे और आराम से आ जाएंगे, तो देखें हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। तो मेरी टीम भी मेरे भरोसे रहती है और उसके बाद फिर मैं अल्लाह के भरोसे रहता हूँ। डर मुझे भी लगता है, महसूस मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चैलेंजेस वगैरह करना वो मैं इसलिए कर देता हूँ कि जब बेजार हो जाता हूँ, जब मुझे लगता है तो मैं कर देता हूँ। तो अभी बात ये है कि कुछ टाइम पहले 3 लड़के नाज़माबाद भूत बंगला में एंटर हुए होंगे, वो गए, उन्होंने देखा वेखा, तो हम लोग भी सुरंग में उतरे थे, तो शायद उन्होंने बोला कि वो भी उतर जाएंगे। तो वो सुरंग में उतर रहे थे या पता नहीं उतरने वाले थे, वल्ला आलम क्या हुआ, उनमें से एक लड़का गिरा है और उसका सर फट गया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अब शोर शराबा मचा या वो लड़के डर गए दो या क्या हुआ क्या नहीं, तो वहाँ पुलिस आ गई। अब ये जिन साहब ने मुझे बताया, इसलिए मैं आप लोगों को एक नसीहत का एक मेरा पैगाम है छोटा सा, कि आप लोग मतलब ये याद रखें कि ये चीज़ें मजाक नहीं है, या मुझे देख के आप चले गए और फिर आपने कर लिया तो वो उनमें से एक गिर गया, वहाँ शोर वोर मचा तो पुलिस आ गई, तो पुलिस उन्हें ले गई। जब उन्हें थाने लाए तो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ कैसे आए हो या क्यों आए हो, तो उन्होंने फिर मेरा प्रोग्राम दिखाया वो नाज़माबाद वाला। तो सरकार बात यह है कि देखिए, हम भी जब पहली दफ़ा शूट करके आए थे ना, तो हमारा तो काड़ी फॉर्मेट हो गया था, उस वक्त मुझे एक चुड़ैल और एक बच्चा वहाँ दिखा था, और मैंने मतलब मैंने खुद देखा था, लेकिन उस वक्त वही कि पता नहीं चलता इतना, तो बस हम रिकॉर्ड करके आ गए, लेकिन जब घर आए चीज़ें देखी तो था ही नहीं कुछ। उसके अलावा जब हम दूसरी दफ़ा गए तब देखें कुदरती वही कि वो माइक ख़राब हो गया अपने आप, हालांकि हमारा ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत जगहों पर ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ, लेकिन वहाँ जब हम शूट करने लगे तो वो माइक ऐसा हो गया। और देखें जब हम सुरंग में उतरे हैं ना, तो हमारे साथ भी सीन हुआ है बाकायदा, वो पीछे से पता नहीं पत्थर आके गिरा है क्या, आके गिरा, हम पीछे पलटे तो कुछ भी नहीं, ना पत्थर ना कुछ, लेकिन आवाज़ बड़ी दमदार आई थी। तो अब बात यह है कि सर आप चले तो जाते हो, लेकिन सर मैं फिर भी पढ़ पढ़ा के फिर आप कुरान हूँ हर चीज़ करके वहाँ जाता हूँ, तो मेरी गुजारिश ये है कि यार ऐसे ही आप लोग नहीं चले जाओ, और अगर इतना ही शौक है तो मेरे पास आके पहले आप ट्रेनिंग ले लो, पहले चीज़ें देख लो, उसके बाद आप जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मेरा ये पैगाम है कि मैं देखें हर जगह चला जाता हूँ, लेकिन बस मैं भी अल्लाह के सहारे होता हूँ, फिर मेरी टीम अपनी खुद वो होती है इतना, और लोगों को ले भी जाता हूँ। लेकिन आप इस तरह नहीं करें कि आप चले गए और पता नहीं आपने पढ़ा या पाक थे नहीं थे। देखें जैसे हमारे साथ वहाँ वांटेड कंपाउंड में हुआ, वो लड़का गिरा शामिल, वो ना पाक था क्या था, तो होता है ऐसा, लेकिन आप इस तरह नहीं करें। तो फिर बाद में मुझे वहाँ से खबर आई कि वो 3 लड़के जो थे उन्हें फिर फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन वहाँ किसी का एक कसर फट गया। तो सर ये चीज़ें अगर आप लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा ही बेहतर है, और इस तरह अगर आप मेरा प्रोग्राम देख के कहीं जा रहे हैं तो वो भी ज़रा गुरेज करें, पहले उस चीज़ को देखें, पहले सूरह वूरह पढ़ें, कुरान पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया।